dancing won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running around in circles. Love feels so invincible. क्या हाल चाल है सभी को? सबसे पहले जय श्री राम मेरी तरफ से तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद शुभम। हम आपके लिए फिर से उसी लोकेशन में आ चुके हैं जहां पर आपने Instagram पे मुझे ढेर सारा प्यार दिया। 1+ मिलियन व्यूज जो है इस वीडियो में आपने दिए थे Instagram पे, तो आज हम एक बार फिर से इस लोकेशन को कवर करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे हम आज आपके लिए खाने में कुछ खास लाए हैं क्योंकि स्पेशल थाली लॉन्च करवाने वाले हैं जो आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। घूमने आए हो तो डोगरी खाना नहीं खाया तो फिर क्या फायदा। तो आज आपको खिलाएंगे यहाँ की डोगरी स्पेशल थाली जो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो चलिए अंदर चलते हैं और सबसे पहले व्लॉग उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज आपको एक बार फिर से बताते हैं। जो है पार्किंग की स्पेस मिल जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही खुली स्पेस है भाई, तो आराम से आप गाड़ियां वगैरह अपनी पार्क कर सकते हैं। देखिए भाई कितनी कंफर्टेबल यहाँ पे सारी गाड़ियां जो है पार्क हुई हैं। तो ऊपर ये देखिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो पहले इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं अंदर और सारा एक एक सिस्टम बताते हैं कि क्या क्या सिस्टम रहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले अंदर एंटर होने से पहले यहाँ पे आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे आपको एक टिकट मिलेगी, जैसे बोर्डिंग पास मिलता है तो 100 रुपये उसका चार्ज लगेगा। बट उसका जो चार्ज है ना वो आगे जैसे आप अंदर ऑर्डर करेंगे वहाँ पे आपका वो डिडक्ट हो जाएगा। तो एक बार आपको बाहर से ही व्यू बता देते हैं। यहाँ पे देखिए भाई कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों और सामने पत्नी टॉप की पहाड़ी आप देख रहे हैं। और इस समय मौसम भाई साहब इतना जबरदस्त हो चुका है ना, क्या ही बात है, ठंडा मौसम है इस समय। तो अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर एक बार आ सकते हैं। वैसे भैया से मैंने बात की थी तो भैया कहता है कि भाई हर वीक यहाँ पे जो है ना मतलब शाम को ऐसे ही मौसम हो जाता है ठंडा ठंडा, यहाँ पे अपने सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा लगता है। दोस्तों इस समय हम जो है रेस्टोरेंट में, इसे सेटअप देख सकते हैं कितना बड़ा सेटअप यहाँ पे बना हुआ। जम्मू में जो है हमारा पहला रेस्टोरेंट ये ओपन हो चुका है, तो आपको ऑलरेडी भी पता है, आपने इंस्टाग्राम पे मुझे इस वीडियो में बहुत प्यार दिया। तो फिलहाल हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे क्या सिस्टम है, आप जब भी यहाँ पे एंटर करेंगे ना ये आपको सामने बोर्ड दिखेगा, तो यहाँ पे भैया खड़े होंगे, यहाँ से आपने जो है 100 रुपीज़ का बोर्डिंग पास लेना है और वही आपके जो फूड में आ गया अंदर कैंसिल हो जाएगा, मतलब वहीं से आपके जो है पैसे डिडक्ट। पहाड़ों के मौसम का पता ही नहीं चलता, अभी भाई बारिश पड़ रही थी 5-10 मिनट पहले और अभी देखो पूरा क्लियर हो गया पीछे, भाई बहुत ही बढ़िया अभी वेदर हो चुका है, ठंडा ठंडा मौसम यहाँ पे। चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं अंदर की सीटिंग। तो ये भाई अंदर की एंट्रेंस, तो चलिए जी अंदर चलते हैं और बताते हैं भाई जहाज वाले रेस्टोरेंट की अंदर से व्यू। तो लेट्स गो। तो ये भाई अंदर का व्यू देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है इस समय। तो ये रहा भाई पायलट का केबिन जहाँ पे पायलट साहब जहाज को जो है टेक ओवर करते हैं। तो ये रहता है भाई, मुझे पता नहीं है वैसे, तो इसको इस तरीके से, ये देखो ब्रेक्स में ऐसे पैर रखेंगे भाई इस तरीके से, एंड इसको भाई ऐसे पीछे पुश करेंगे और यहाँ से जो है हमारा जहाज टेक ओवर हो जाएगा। और तो जहाज उड़ाने का सपना भी भाई साहब अपना पूरा हो गया। वैसे जहाज उड़ाया नहीं बट ये है कि यहाँ पर हम बैठे और इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आपको यहाँ पर बैठ के फोटो वगैरह क्लिक करवानी है तो इसके आपको जो है चार्जेस पड़ेंगे 100 रुपीज़ सेल्फी के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ। यहीं से निकल कर हम जा सकते हैं रूफ टॉप की तरफ। चलिए आपको रूफ टॉप की तरफ लेके चलते हैं और भैया आगे ब्रेक मार दी। तो ये रहा भाई हमारा रूफ टॉप एरिया जहाँ पे आप, अगर आपको अंदर लगता है कि स्पेस थोड़ी फुल है तो आप ये देखिए इनके लॉन में भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे रूफ टॉप में बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है जो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये देखिए भाई और यहाँ से जो व्यू मिलेगा ना भाई इसी के पैसे हैं। ये देखिए भाई व्यू एक बार आप चेकआउट कीजिए, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। और भाई बता दूं आपको कोई 15-20 मिनट पहले इतनी ज़्यादा बारिश पड़ रही थी यहाँ, क्या बात है। तो ये रहा इनका रूफ टॉप एरिया। तो यहाँ से आप नीचे चलते हैं और भी सेक्शंस यहाँ के आपको, तो यहीं से स्टेयर्स से नीचे आ गए ना तो सामने आप देख सकते हैं किड्स का सेक्शन है, यहाँ पे बच्चे जो है इंजॉय कर सकते हैं अगर आपके साथ बच्चे वगैरह आ रहे हैं। तो ये देखिए एक्टिविटी बच्चे आपके इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए भाई बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस समय, अब बात है। तो यहाँ पे दूसरी फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी जहाँ पे ये एक ये वाला मिल जाएगा बच्चों के लिए और एक ये मिल जाएगा। तो बाकी इसके बैक साइड भी स्पेस है, वहाँ भी चलते हैं और बताते हैं वहाँ पे और आपको। तो
यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ, तो यहाँ पे भी आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है, और यहाँ पे सिटिंग स्पेस बाहर भी आपको मिल जाएगी। बात करें यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, जो ये देखिए। दोस्तों ये देखिए भाई, हमारी प्रेजेंटेशन आ चुकी है भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ये देखिए डोगरा थाली आ चुकी है, जिसके साथ ये देखिए कितनी ज्यादा चीजें जो है इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें डोगरा थाली में सर्व की गई है दाल मखनी, उसके बाद आएगा इसमें रायता, ये आगे भाई डोगरी ट्रेडिशनल अम्बल, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये राजमा जम्मू की आन बान छान, तो आप देसी घी वाले भाई साहब, बहुत लजीज। तो ये रहा भाई शाही पनीर, ये अनियन दिया गया है, और ये पापड़, और साथ में राइस की क्वांटिटी बता दें आपको एक बार। तो ये राइस की क्वांटिटी रहेगी आपके, और इसके साथ आपको आप बटर नान मिलेंगे। ये देखिए प्लेन के अंदर अगर बैठ के आप ये थाली एंजॉय करना चाहते हैं तो भाई ज़रूर एक बार आना। फिलहाल अब आपको बता देते हैं, ये देखिए प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पर हमें जो है ये नान दिए गए हैं, बटर नान, और इसके साथ आइसक्रीम स्वीडिश दी गई है। बाकी ये देखिए एक दो तीन चार, चार तरीके की जो है सब्जी दी गई है। बाकी ये राइस की क्वांटिटी है, ये प्रेजेंटेशन, ये देखिए पापड़ की, बाकी ये अनियन है, ये दही है। बाकी इसका फुल रिव्यू आपको खाकर बताते हैं, तो आप बने रहे अपने। मैं करता हूँ नान के साथ ट्राई शाही पनीर, चलो ट्राई करते हैं। ये देखिए भाई मेरी बाइट, ये देखते हैं टेक्सचर को, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, क्वालिटी बढ़िया यार। इसके राजमा में चेक करूंगा, मानना पड़ेगा राजमा के अंदर देसी घी डाला हुआ है, और इतना जबरदस्त लग रहा है भाई टेस्ट इसका। तो राइस के साथ दाल मखनी ट्राई करते हैं, दाल मखनी भी बढ़िया यार, टेक्सचर काफी इसका देखिए गाढ़ा गाढ़ा है। अम्बल ट्राई करता हूँ इनका यार। तो ओवरऑल देखा जाए क्वान्टिटी भी ठीक है, और फूड की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी है। तो हर एक चीज़ इसमें अच्छी है, हमने मतलब हर एक चीज़ इनकी ट्राई की है, बहुत अच्छी है। आप एक बार आके ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हमने इनकी जो है स्पेशल डोगरी थाली ट्राई की, तो भाई टेस्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, हर एक आइटम बहुत ही लाजवाब थी। तो फुली रिकमेंडेशन है आपको, जब भी फैमिली के साथ आते हैं डोगरी थाली डेफिनेटली ट्राई करनी है। और यहाँ के ऑनर ने हमें कुछ और भी चीज़ें जैसे कि इनकी कॉफ़ी और इनके कुछ स्टार्टर्स हमें जो है ट्राई करवाए, भाई सब नंबर वन टेस्ट है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, 6 बज चुके हैं, तो हेलमेट वगैरह ले लिया हमने। चलो फिर जम्मू की तरफ निकलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो आपसे मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे पेज को करें फॉलो। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम, जय माता दी।